अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद दीन में आप सभी का खैर मकदम है। अगर मकामी खबरों का जायजा लिया तो आज भी बहुत कुछ बड़ी खबरें तो नहीं थी, लिहाजा आम आदमी पार्टी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साउथ के एमएलए अभय पाटिल का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से अपने इख्तदार का गलत इस्तेमाल करते हुए सामाजिक खिदमात पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और जो भी उनसे सवाल करता है या तो उनकी मुखालफत करता है तो उनके जो पुलिस इंतजामिया को लेकर मुकदमे करते हैं। अगर दूसरी खबर को देखा जाए तो रोजगार हमी योजना में जो मुलाजमीन है, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी तनख्वाह को दोगुना किया जाए और कई सारे मांगों को लेकर आज उन्होंने एक एहतजाजी जुलूस का अहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द खवातीन और मर्द हजरात इसमें शरीक होते हुए देखा गया था। खैर, इन तमाम के बाद अगर सबसे ज़्यादा जिक्र अगर आजकल हो रहा है तो वो है चीतों का। लेकिन जितना चीतों का जिक्र किया जा रहा है उसके बरक्स अगर देखा जाए तो जितनी हज़ारों की तादाद में गायों की मौत हो रही है, जबकि गाय गौ माता को लेकर कई सारे इशू उठाए जाते हैं, यहाँ तक इंसानों का कत्ल भी किया जाता है उसके नाम पर, लेकिन हुकूमत इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं और गोदी मीडिया भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उससे हटकर आज जिस मौजू पर हम बोलना चाहते हैं वो भी आज के दौर का अगर दहकता मौजू कहा जाए तो गलत ना होगा। पिछले कुछ महीनों से नाजायज ताल्लुकात के कई मामले सामने आते हुए देखा गया। आज भी इसी तरह की एक वारदात बेलगाम जिला कटकोड में पेश आई, जिसमें आशिक और बीवी ने मिलकर शोहर का ही कत्ल कर दिया। अपने आशिक के साथ शोहर के लाश को पुल के नीचे फेंक कर दोनों फरार हो गए। खैर, मुजरिम पुलिस हिरासत में है। इस तरह की खबरों को अक्सर हम सुनते देखते तो जरूर है, पर बढ़ती वारदातों पर कभी तबादले ख्याल नहीं होता। अभी समाजी मर्ज बीमारी पर कोई भी माशरा सोचते हुए नहीं देखा जाता है, संजीदगी भी नहीं देखी जाती। ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है और समाज के जिम्मेदारान और ठेकेदार खामोश इख्तियार किए हुए नजर आ रहे। वैसे बढ़ती बेहयाई और फहश हुरियानत की इस दौर में ऐसी वारदातों को रोजाना होते हादसे के तौर पर देख नजरअंदाज भी किया जा रहा है, लेकिन कई घर इस आग की जद में आ चुके हैं। बारहा इस समाजी नहुसत पर तबसरे होते हैं, कभी इलाज या फिर कैसे बढ़ते हुए मामलों को रोका जाए इस पर अमल होते हुए नहीं देखा जाता। आखिर कौन जिम्मेदार, कैसे इस आग को काबू पाया जाए? क्या ख्वातीन के आजाद ख्याली जिम्मेदार है या फिर मर्दों का ख्वातीन की तरफ तवज्जो न देना या उन्हें आजाद छोड़ देना वजह? लिहाजा खासकर मुस्लिम समाज का भी बड़ा तबका इस नौसत में मुलविस पाया जा रहा है। कई घर अब तलाक या खुला की जद में आ चुके हैं, इससे पहले भी हमने इस पर तबसरा किया है। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी हुरियानियत का शिकार ये समाज माशरा हो चुका है। घरों से बाहर घूमना, किट्टी पार्टियां, बर्थडे सेलिब्रेशन और शादी ब्याह में जो एक तरह की तहजीब या फिर शर्म हया हुआ करती थी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जिसे हम तरक्की याफ्ता सोसाइटी समझ रहे हैं। लिहाजा मौजूदा दौर में खुदा का खौफ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हर दूसरा तीसरा शख्स इस बुराई में मुब्तला पाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कई बार माशरे में बढ़ती बेहयाई पर तबसरा किया है, लेकिन रोजाना इजाफा ही होता जा रहा है, पर किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही। तमाम माशरे का जायजा लिया जाए तो मुस्लिम माशरे में खासकर औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है। औरतों को जमीन पर भी आहिस्ता चलने की तालीम इसलिए दी गई ताकि तुम्हारी खूबसूरती का अंदाजा तुम्हारी कदमों के आहट से न लगाया जाए। कहने का मतलब, शर्म हया औरतों के जेवर है, पर इस मादा परस्ती के दौर में एक दूसरे की नकल करने का फैशन भी आम हो चुका है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो वालिदैन को लगता है कि अभी भी बच्चे हैं। कुछ वालिदैन अपने घर के खवातीन को आज़ाद माहौल में ज़िंदगी गुजारना इस दौर की अहम ज़रूरत के तौर पर समझते हैं। इस्लाम क्या कह रहा है या फिर नबी की तालीमात क्या है, इस पर महज ज़बानी जमा खर्च भी बड़ी मुश्किल से होता नजर आता है। अपने आप को दीनदार समझने वाले भी इसका शिकार होते पाए जा रहे हैं। जाहिर है, जब यह दौर ही फितनों का है तो फितने बारिश की बूंदों की तरह बरस भी रहे हैं, लेकिन इन फितनों के दौर में अपने घर अपने आल औलाद को कैसे बचाया जाए, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने के पड़ोसियों के लड़की आए फिर दिगर रिश्तेदारों के घरों की औरतें क्या कर रही है, इस पर हमारी नज़रें ज़्यादा हो और घर की खवातीन भी इसी में रास्ते से भटक जाती है। इसका जरा बराबर भी एहसास मर्दों को नहीं होता, और जब मामला हाथ से निकल जाता है तो फिर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता। भले ही इस मसले को तमाम माशरे के जिम्मेदार दीनी रहबर रहनुमा मामूली समझ रहे हो या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा कोई मसला है तो नाजायज ताल्लुकात में मुलव्विस होता माशरा, और खासकर मुस्लिम समाज। दिगर माशरों में लड़कियां खवातीन को आज़ादी के साथ मर्दों के साथ घुलना मिलना वक्त की ज़रूरत करार दे चुके हैं। तभी तो मुसलमानों में पर्दा करना फ़र्ज बताया जाए तो मुस्लिम माशरे में औरतों पर ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। तालीम की आड़ में या फिर नौकरियों के चक्कर में अब खवातीनों का घर से निकलना आम होता जा रहा है।
औरतों में फितरी तौर पर कुछ चीज़ें अल्लाह ने रखी है, जाहिर है, जिससे बचने की तालीमात भी दी गई हैं। लेकिन जब माशरे में दीनी बेजारी और इस्लामी तालीमात पर अमल करने का रुझान घटने लगे और दीनी रहनुमा भी तमाम बुराइयों पर खामोश इख्तियार करने लगे तो फिर माशरे की बर्बादी भी यकीनी हो जाती है। कईयों को तो गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे खानदान के लड़कियों को गलत कामों में मुलव्वस होता देखा जा रहा है। अब तो ब्यूटी पार्लर से लेकर ख्वातीनों के लिए जिम को जाने का भी नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जाहिर है, जब जिम को जाते हैं तो ट्रेनर लड़कियां नहीं बल्कि लड़के रहते हैं, और जब मर्द और औरतों का एक जगह पर मिलना बैठना होने लगता है तो शैतानी वसवसों का जाहिर होना भी फितरी चीज़ है। अब मुसलमानों के पास रुपया पैसा भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आ चुका है। हर चीज़ को आसानी के साथ हासिल करना है तो रुपया ही तो है। लिहाजा अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देने के बजाय इन्हें वक्त की ज़रूरत समझकर आज़ाद छोड़ दिया जाता है। माशरा अखलाकी तौर पर इतना गिर चुका है कि अगर कोई किसी को गलत कामों में मुलव्वस होते हुए देख भी लेता है तो कहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि आप पूछने के लिए जाओगे तो तुम्हें ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जाहिर है, मुझे क्या करना है वाली ज़हनियत आम बन चुकी है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि नाजायज ताल्लुकात की वारदातें हादसे कत्ल के लिए सिर्फ दीन से दूरी है, खुदा और उसके रसूल का वास्ता महज रस्म बन चुके हैं, दीन की बेजारी माशरे में शिद्दत से पाई जा रही है, दुनिया परस्ती मादा परस्ती मौजूदा दौर के तकरीबन चेहरियों में और खासकर मुसलमानों में कूट कूट कर भरती हुई देखी जा रही है, सिर्फ एक एहसास, मुझे अल्लाह देख रहा है, कितने गुनाहों से बचा सकता है। लेकिन घर के मर्दों में ही इस तरह का कोई एहसास ना हो तो फिर ख्वातिनों को जिम्मेदार ठहराना भी कहाँ तक सही होगा। आज के दौर में वालिदैन की कितनी इज्जत है ये भी अहम मौजू है। क्या लड़का लड़कियाँ वालिदैन से डरती हैं? क्या घर से बाहर निकलने वाली औरतों को इस बात का जरा बराबर भी एहसास होता है कि शोहर की इजाजत के बगैर घर से निकल रही हूँ तो कितनी बड़ी लानत को दावत दे रही हूँ? और जब एहसास हो जाता है तो बुराई अपने आप रुकने लगती है। बेलगाम शहर में पिछले कुछ सालों में इस तरह की वारदातें हाथ से रोजाना सुनने को मिल रही हैं। तो फिर क्या बात है कि दीनदार लोग भी नजर आ रहे हैं, ख्वातीन पर्दा भी बहुत ज्यादा कर रही हैं, दीनी मजलिसों में भी पहले के मुकाबले में इजाफा होता जा रहा है। आखिर क्या बात है कि माशरे में फैश रियानियत का बाजार और वसी होता जा रहा है? मतलब कहीं तो माशरे का जिम्मेदार तबका भी गलत राह इख्तियार कर चुका है। अगर सब ठीक है तो फिर हर शोबे मुसलमानों की पस्ती क्या पैगाम देती है? दुनिया परस्ती मादा परस्ती बुजदिली धोखा फरेब झूठ कीना कपट चुगलखोरी जीना फैश में पूरा का पूरा माशरा मुलविस हो चुका है। शायद ही कोई मोहल्ला इस नौसत से बचा हुआ होगा। लिहाजा फिर से मस्जिदों पर आना जरूरी समझूंगा कि मस्जिदों से ही माशरे की इस्लाह मुमकिन है। नबी के दौर में जो जो मामले मस्जिदों से पेश आते थे उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश करें। यकीनन बहुत मुश्किल है। कई बार ये कहा जाता है कि मस्जिद के जिम्मेदार ठीक नहीं, या फिर यंग कमेटी बुजुर्गों की कदर नहीं करती, या फिर मोहल्ले के खवातीन झगड़ालू हैं वगैरह कहानियां हमारे पास मौजूद है। इसके बावजूद भी हमें काम करना है। दुश्मनों की प्लानिंग का तबसरा तस्करा और भी मंसूबे वगैरह तो है ही, लेकिन माशरों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मस्जिद के जिम्मेदारान आपस में मुत्तहिद नहीं रहते, शादी ब्याह तलाक खुला में दो दो दफ्तर लेकर एक ही मोहल्ले के लोग पहुंच जाते हैं। यकीनन कई सारी खामियां हैं, इसके बावजूद माशरे को हमें ही सुधारना है और हमें ही कोशिश करनी चाहिए। काम को शुरू तो करें। शुरू करने से पहले ही हमारे पास काम ना करने की कहानियां वजह बहाने तैयार रहते हैं। बहुत बुराइयां हैं और रहेंगी। गांजा नशा गुंडागर्दी मटका जुआ चोर बदमाश माशरे में रहेंगे। अच्छे लोग जब बढ़ जाते हैं तो बुराइयां अपने आप कम हो जाती हैं, और जब गलत कामों को रोकने की बजाय अच्छे लोग खामोश रहते हैं तो बुराइयां भी सर उठाने लगती हैं। खैर, इन तमाम मसलों पर बारहा तबसरा हो चुका है। गली मोहल्ले की लड़कियां ना सिर्फ गली मोहल्ले की बल्कि माशरे की इज्जत हुआ करती हैं। आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को भी रोकने वाली कमेटी बननी चाहिए, तभी माशरे को ठीक किया जा सकता है, वरना यह आग तमाम घरों को जला देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना जरूर है। आज बेलगाम में रोजगार हम योजना के तहत मजदूरी बढ़ाकर देने को लेकर कुली मजदूर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण कुली कार्मिक संगठन से मुलाजमीन शरीक रहे। इनकी मांग थी कि काम के दिन बढ़ाए जाए और 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए मजदूरी की जाए। डॉक्टर अम्बेडकर गार्डन से जुलूस की शुरुआत की गई, जिसमें कसीर तादाद में खवातीन और मर्द हजरात शरीक रहे। बर्तन को बजाते हुए चन्नम्मा सर्कल से होते हुए DC दफ्तर के सामने पहुंचकर एहतजाजी जुलूस इजलास में तब्दील हो गया। इस वक्त वजीर आजम के नाम अपना मुतालबा पेश करते हुए कुली मुलाजमीन मजदूरों की फला बहबूती के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर करने की भी मांग की गई। कट्टन भावी की खातून लीडर भारती भांदुरिया ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सैकड़ों मर्द औरतों की शिरकत के एहतजाजी जुलूस से कुछ देर तक ट्रैफिक को रोकना पड़ा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
सरन पकड़ा दे हजरी को नमग रोजगार नमग एर हजरी बेक्री मन को मुंह ना पेमेंट वार्ड आगे सलखी बिटी हूँ पेमेंट को मुंह मुंजाने हत गंटे आईन तक अंद सर तक अंदर ना गंटे आईन तक अब बंद मुंह पेमेंट आती और ना गंटे आईन तक आर नूर रूपये पेमेंट हाँ एर नूर एपत् हाकतार रि नम 400 पेमेंट हाक माझे गाँव कट्टंभावी तालुका जिला बेळगाव आम्ही इनकुलकार संघटने मध्ये मी कार्यकर्ता म्हणून काम करते 2008 सालापासून काम करते। आज आम्ही 5 प्रश्न घेऊन इथे सरकारसमोर मोठ्याने भराटा घेऊन आलोय। त्याचे मुख्य 5 प्रश्न आहेत। 100 दिवस आम्हाला काम पुरत नाही, 200 दिवस काम पाहिजे। त्यानंतर उधळी बुट्टीचे आम्हाला 25 रुपये पाहिजे, त्याच्या आधी 10 रुपये देत होते ते पण सरकारने बंद केले आहेत। सरकार म्हणतो हे सरकार पूर्वी 100 कोटी पर्यंत बजेट ठेवत होतं या खात्यावरती, आता 60 ते 70 कोटी रुपये ठेवतोय। आणि मग आम्हाला पंचायत तू फसवून होतंय, पैसे नाही, काम मिळत नाही असं होतंय, तर ही फसवणूक थांबली पाहिजे। आणखी एक प्रश्न आहे, आम्ही मेंढी किंवा कायक म्हणून काम करतो, एक माणसामध्ये 5 रुपये आम्हाला मिळाले पाहिजेत। 2012 पासून आम्ही मोर्चा काढतोय, अजून मिळालेले नाही, ते मिळाले पाहिजे।